भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के लिए हुआ भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। किसे मिला है दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में मौका और कौन सा खिलाड़ी होगा दूसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर, बताएंगे आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही छोटी से बड़ी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला 7 जुलाई गुरुवार को खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की टीम को 50 रनों के बड़े अंतर से मात दे दी है। अब भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला आज बर्मिंघम के मैदान पर खेला जाएगा। आपको बता दें कि ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि इसका टॉस शाम 6:30 बजे देखने को मिलने वाला है। खास बात यह है कि इस टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में कई सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिसमें विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर जैसे नाम शामिल हैं। ऋषभ पंत भी इस दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। ऐसे में अब दूसरे टी20 मुकाबले के लिए कैसी होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11, आइए इस पे भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पारी का आगाज कर सकते हैं। ऐसे में ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जबकि नंबर 3 पर दीपक हुड्डा होंगे। 4 नंबर के लिए सूर्य कुमार यादव का चयन हो सकता है। 5 नंबर के लिए हार्दिक पांड्या, जबकि 6 नंबर पर ऋषभ पंत होंगे। ऐसे में दिनेश कार्तिक को दूसरे टी20 मुकाबले आराम दिया जा सकता है। नंबर 7 पर अक्षर पटेल होंगे, जबकि 8 नंबर पर हर्षल पटेल को मौका मिलेगा। 9 नंबर पर भुवनेश्वर कुमार, 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह की एंट्री होगी। वहीं नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल हमें दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे टी20 मुकाबले के लिए कुछ ऐसी हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।